तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह एक्वेरियम ग्लास को रिप्लेस करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक्वेरियम है जिसके नीचे का हिस्सा जो है डैमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए डैमेज है। इस तरह डैमेज है कि हम देखिए यहाँ पर भी डैमेज है। अगर इतना डैमेज होता तो हम एक सिर्फ इसको सिलिकॉन गम डाल के इसको चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज है। तो एक सिंपल दिखाने के लिए मैंने बताया है इस तरह। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सिंपल डैमेज था तो मैंने थोड़ा यहाँ पर भी डैमेज किया ताकि आप बता सकूँ किस तरह इसको रिप्लेस करना है। तो कभी कभी क्या होता है, इस साइड में भी डैमेज हो जाता है, कभी इस साइड में, कोई भी साइड में हो सकता है। तो उसको किस तरह हम रिप्लेस करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था किस तरह हम इसको, अगर क्रैक एक्वेरियम है, अगर थोड़ा एक्वेरियम जिस तरह डैमेज है तो किस तरह उसको रिपेयर करते हैं, किस तरह सिलिकॉन अप्लाई करते हैं। तो उसका लिंक जो ऊपर आ रहा है आप जाकर दे सकते हैं। उसमें आप देखकर सिंपली अगर क्रॉक है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं सिलिकॉन गम के मदद से। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह इसको पूरा कपड़ा रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हम एक देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको रिप्लेस करने के लिए। सबसे पहले आपको एक कोई भी एक कटर या किस तरह का एक ब्लेड ले लें जिसे आपकी मदद से आप निकाल सकें, और एक ग्लास रेडीमेड जो सेम साइज़ का आपको, अगर यहाँ का डैमेज है तो यहाँ का ग्लास, अगर साइड का है तो नीचे जहाँ कहीं भी का गिलास टूटा है, जहीं कहीं का भी एक गिलास टूटा है उसका सेम साइज़ जो है आपको कटवा कर ऑलरेडी लेकर। देखिए मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, ये 40 रुपीज़ में लेकर आया था मैं एक्वेरियम। टोटल दो ग्लास लेकर आया था मैं 40 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से ये 60 mm का ग्लास है। हालांकि और ज़्यादा प्राइस है तो मुझे सिर्फ थोड़ी छोटी पीस लेना था तो इसलिए कम में दे दिया। तो इस तरह आपको जितना भी प्राइस है आपके एक्वेरियम स्टोर में, सॉरी हार्डवेयर स्टोर में, वहाँ पर मिल जाएगा। जाकर सिर्फ आपको साइज़ बोलना है, अगर इस तरह का कटा हुआ है तो यहाँ पर आपको साइज़ देख लेना है। जाकर आपको सिर्फ हार्डवेयर स्टोर वालों को बताना है कि इतने साइज़ का मुझे ग्लास चाहिए, वो काट कर दे देगा। बाद में ब्रेसिंग कर ले, थोड़ा ब्रेसिंग करने के लिए आपको एक ग्लास चाहिए जो रिप्लेस करने वाला है, एक ब्लेड, ये वाला ब्लेड मेरे पास है, और सिलिकॉन गम। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको ग्लास को निकाल लेते हैं। चलिए निकाल कर हम इसको रिप्लेस करते हैं, दिखाता हूँ किस तरह रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह क्लीन से जितना जल्दी जितना आसानी से इतना आसानी से आप कोई भी ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेड की मदद से आपको सिर्फ इसको जो सिलिकॉन है उसको निकालना है। ये ऑलरेडी टूटा हुआ इसलिए यहाँ से पीसेस निकल रहे हैं क्योंकि पहले ये टूटा हुआ था।
देखिए किस तरह आसानी से निकला है। ब्लेड से आपको निकालना है, आधा निकल चुका है और आधा निकाल लेता हूँ। आप चाहे तो इस तरह का कपड़ा भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं जो, लेकिन आप, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपके इसी को आप इस्तेमाल करना है, कोई भी जो इस तरह का ब्लेड इस्तेमाल करें लेकिन शार्प होना ज़रूरी है। एक्सल ब्लेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक्सल ब्लेड में क्या होता है थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा मोटा होता है वो, इसलिए। देखिए मैंने अभी कंप्लीट निकाल चुका हूँ। बहुत दिक्कत हुई, बहुत मुश्किल से निकाला है मैंने ब्लेड का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास टूल्स है इस तरह की चीज़ें हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखिए टुकड़े टुकड़े करके मैं निकाल दिया, हालांकि ये ऑलरेडी पीसेस हो चुके थे तो उसके हिसाब से निकला है। आपको बड़ा टैंक हो या छोटा टैंक इसी तरीके से निकालना है, थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से आपको घर में निकाल सकते हैं आराम से, अगर आपको दिक्कत नहीं होती। अगर आप तो किसी को देख कर रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ मैं जो घर के अंदर ही आप रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो हटा लेता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर पीसेस पड़े हैं, देखें कितने सारे पीसेस पड़े हैं यहाँ पर जो पैर को भी हर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, रुकिए। देखा मैंने किस तरह इसको निकाल दिया, देखिए यहाँ पर ये आर पार हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर एकदम दोनों तरफ से ओपन है। मैंने इसको बहुत मुश्किल से निकाला। अगर आप घर में निकालने की कोशिश करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक हार्डवेयर स्टोर से वहाँ से रिप्लेस करा लें। अगर फिर भी आप घर में ही करना चाहते हैं तो अपने सेफ्टी के हिसाब से करें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं क्योंकि ग्लास का मामला है, तो बहुत मुश्किल होगा क्लीन करना, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन बैठता है, इसलिए इसको थोड़ा साफ़ कर लें, क्योंकि जो पुराना सिलिकॉन होता है अगर वो रहेगा तो फिर बराबर जम नहीं पाएगा। देखिए कितना सिलिकॉन निकल रहा है, इसको सिलिकॉन लगा हुआ रहता है, इसको साफ़ कर लें। को जो बॉटम पीस है इसके नीचे रखने की, इसको लेकर सिलिकॉन अप्लाई करना है। देखिए अभी ये मैं ले लिया हूँ, अभी इसके ऊपर सिलिकॉन लगाना है, चारों तरफ से आपको सिलिकॉन लगानी चाहिए ताकि इसके ऊपर जो हिस्सा होता है वो बैठ जाए, जो पुराना आप एक्वेरियम में इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर इसको आप सिलिकॉन लगा लो, उसको चारों तरफ से। फर्स्ट टाइम अगर होता तो दिक्कत की बात नहीं थी, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा लगाना, ज़्यादा उतना भी ज़्यादा मत लगाएं जितना ओवर हो जाए, इसे लुक भी ख़राब हो जाएगा। हालांकि नीचे अगर ज़्यादा भी हो तभी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रेवल में छुप जाता है, जो ऊपर के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये तो अभी ये काम हो गया। अभी लास्ट एक चीज़ बाकी है करना, अभी इसी को भी उंगली इस तरह अंदर से घुमाना है क्या, ताकि ये जो फिलअप हो जाए गम चारों तरफ से, जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पर भी ये
लग जाएगा। तो गैस इतना ही है, 40 रुपीज़ में मैं ये तैयार कर चुका हूँ। 40 रुपीज़ गम तो मेरे पास ऑलरेडी सिलिकॉन जो मैं लिया था, एक अगर आप सिलिकॉन गल लेंगे तो इसमें तकरीबन आपको 4-5 एक्वेरियम बना सकते हो। इतना ज़्यादा लेने की भी एक ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि आप वरीड हो जाओ कितना ज़्यादा लगेगा करके। और एक ब्लेड चाहिए और इस तरह के 2-3 ब्लेड ले, देखिए इसकी हालत कैसी हो चुकी है। तो बस अभी एक दिन इसको छोड़ देना है, एक दिन के बाद इसको आप पानी में डाल सकते हैं। तो अभी मैं एक दिन छोड़ देता हूँ, एक दिन डेढ़ दिन छोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ा गम ज़्यादा बैठना, इसलिए 24 आवर छोड़ देता हूँ। 24 आवर के बाद मैं इसको अंदर पानी डालकर आपको डेमो दिखाऊंगा। ये तो अभी 24 घंटे ज़्यादा इसका टाइम हो चुका है, तो चलिए चेक करते हैं ये लीकेज करता है या नहीं। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आप भी अगर आप इस तरह का पीस बनाते हैं या एक्वेरियम बनाते हैं तो एटलीस्ट 24 घंटे आप ड्राई करने के लिए छोड़ दें। बेटर है कि आप 2-3 दिन के बाद ही पानी डालें, लेकिन एटलीस्ट 24 आवर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ें, बाद में आप पानी डाल के चेक कर सकते हैं। मैं पानी डालने जा रहा हूँ, देखते हैं कहीं लीकेज जो नहीं हो रहा है। चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरह आप भी करना है, अगर आप भी इस तरह रिप्लेस करना चाहते हैं कि आपका अगर ये हिस्सा या नीचे का हिस्सा कोई भी हिस्सा, तो इसको फॉलोअप करना है, इसी तरह आपका टैंक भी सक्सेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।